students, today through this video, I would like to tell you how to write the flow chart in the writing task 1 of IELTS test. बहुत सारे ग्राफ होते हैं जो स्टूडेंट्स को राइटिंग टास्क 1 में प्रिपेयर करने होते हैं. फॉर एग्जांपल पाई चार्ट, टेबल, बार ग्राफ, मैप, लाइन ग्राफ, प्रोसेस, फ्लो चार्ट, डायग्राम. तो फ्लो चार्ट उनमें से एक है. फ्लो चार्ट में क्या है, बेसिकली आपको इंस्ट्रक्शंस गिवन होती है हाउ द एक्शन इज परफॉर्म. हाउएवर प्रोसेस में क्या होता है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है. प्रोसेस जो होता है टू पार्ट्स में सेगमेंटेड होता है. फॉर एग्जांपल मैनमेड प्रोसेस और नेचुरल प्रोसेस. इफ़ आई टॉक अबाउट द फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट में आपको किसी चीज़ के प्रोडक्शन नहीं करना होता है. बेसिकली आपको बताया जाता है कि एक टास्क है, पर्टिकुलर टास्क कौन से स्टेप को फॉलो करते हुए कंप्लीट हुआ है. सो हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन. द फ्लो चार्ट शोज द डिटेल्ड प्रोसेस ऑफ यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस डिजिटल पिक्चर्स, इंक्लूडिंग द रोल ऑफ डिजिटल कैमरा, स्मार्ट कार्ड, कंप्यूटर एंड फाइनली द फोटो प्रिंटर. ये फ्लो चार्ट है जो डिटेल में बता रहा है कि कैसे प्रोसेस हुआ है, डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोड्यूस किया गया है डिजिटल पिक्चर्स को, जिसमें वेरियस टाइप ऑफ डिजिटल इक्विपमेंट्स को यूज़ किया गया है. फॉर एग्जांपल डिजिटल कैमरा, स्मार्ट कार्ड, कंप्यूटर और फोटो प्रिंटर. तो यहाँ पे आपने क्या करना है, व्हाइल राइटिंग द इंट्रोडक्शन यू हैव टू रिफ्रेश द गिवन क्वेश्चन. आपको इंट्रोडक्शन के दौरान रिफ्रेश करना होता है गिवन क्वेश्चन को. ठीक है, इसमें हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे. द सप्लाइड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसीजर थ्रू विच द डिजिटल पिक्चर इज प्रोड्यूस बाय यूजिंग वेरियस डिजिटल इक्विपमेंट. जो सप्लाइड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, गिव्स मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा के क्या बता रहा है कि इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में, प्रोसीजर मीन्स प्रोसेस मैथड के बारे में, किसका थ्रू विच, जिसके दौरान क्या हुआ, डिजिटल पिक्चर क्या की गई है, प्रोड्यूस की गई है, कैसे की गई है, बाय यूजिंग वेरियस डिजिटल इक्विपमेंट्स. उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 1 में हम क्या करेंगे, इस पूरी फिगर को एक्सप्लेन करेंगे. इफ़ वी सी यहाँ पे क्या है, डिजिटल कैमरा है और क्या है, स्मार्ट कार्ड है. डिजिटल कैमरा का फंक्शन जो रहेगा दैट इज़ कैप्चरिंग ऑफ एन इमेज. तो रिकॉर्डिंग भी हो सकता है वीडियो के थ्रू, तो वो किस में जाएगा, स्मार्ट कार्ड में. देन द कैप्चर्ड इमेज इज़ डाउनलोडेड इन द कंप्यूटर, जहाँ पे क्या होगा, वेरियस फंक्शंस क्या होंगे, परफॉर्म होंगे. एडिटिंग के दौरान कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं, क्रॉपिंग, कटिंग, इम्प्रूविंग, फॉर्मेटिंग. फिर उस जो एडिटेड फोटोग्राफ होगी उसको वाया ईमेल सेंड कर दिया जाएगा फॉर फर्दर प्रोसेस, और उसको स्टोर करके रखा जा सकता है सीडी. सीडी का एब्रिवेशन क्या होता है, कम्पैक्ट डिस्क. इसको सीडी जो है किसका एब्रिवेशन है, कम्पैक्ट डिस्क का है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि प्रिंटर की हेल्प, जिसमें ऑलरेडी हमने क्या कर रखा है, फोटो पेपर को लोड कर रखा है. ठीक है, तो प्रिंटर क्या करेगा, प्रिंटिंग करेगा फोटोग्राफ की. टू वेज में जो है फोटोग्राफ की प्रिंटिंग हो सकती है, कलर फोटो और ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर. इट कैन बी क्लियरली सीन दैट डिजिटल पिक्चर इज रिक्वायर्ड फॉर कैप्चरिंग एन इमेज. यहाँ पे एन है, आई क्या है, हमारे पास वोवल है, और वोवल के साथ कौन सा आर्टिकल लगता है, एन आर्टिकल लगता है. हाउएवर फॉर रिकॉर्डिंग अ वीडियो अ स्मार्ट कार्ड इज नीडेड. तो जितना भी आपको फ्लो, प्रोसेस, लाइफ साइकिल, डायग्राम आता है, हम कौन से टेंस में लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इधर एक्टिव और पैसिव स्ट्रक्चर में लिखा जाता है. तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये क्लियरली देखा गया है कि जो डिजिटल पिक्चर है, जो डिजिटल कैमरा है, वो क्या करेगा, हमें नीडेड है किस चीज़ के लिए, इमेज को कैप्चर करने के लिए और रिकॉर्डिंग वीडियो के लिए वी नीड अ स्मार्ट कार्ड. आफ्टर कैप्चरिंग द इमेज इट इज़ डाउनलोडेड ऑन अ कंप्यूटर फॉर एडिटिंग. इसके बाद क्या होता है, कैप्चरिंग के बाद इसको डाउनलोड कर लिया जाता है कंप्यूटर में फॉर एडिटिंग. ड्यूरिंग एडिटिंग, एडिटिंग के दौरान क्या होता है, वेरियस फंक्शंस आर परफॉर्म्ड ऑन अ कैप्चर्ड इमेज. तो ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, कैप्चर्ड इमेज हो जाएगा, इमेज का हमने ऑब्जेक्टिव बना दिया है. लाइक कटिंग, इंप्रूविंग एंड फॉर्मेटिंग. तो हमने यहाँ तक जितना भी डेटा है उसको कहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, इन द बॉडी पैराग्राफ 1, एंड रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन को वी विल एक्सप्लेन इन द बॉडी पैराग्राफ 2. मूविंग टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन, द एडिटेड पिक्चर इज सेंट वाया एन ईमेल फॉर फर्दर प्रोसेस और इट इज ऑल्सो स्टोर्ड इन अ सीडी. मूविंग टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन क्या कहता है कि जो एडिटेड पिक्चर है उसको हम सेंड कर देंगे वाया एन ईमेल किसके लिए, फॉर फर्दर प्रोसेस के लिए, और उसको स्टोर करके रख लेंगे इन अ सीडी. द एडिटेड फोटो इज ट्रांसमिटेड टू द प्रिंटर, और फिर जो वो एडिटेड फोटोग्राफ होगी उसको ट्रांसमिट कर दिया जाएगा प्रिंटर पे, जहाँ जो क्या है, विच इज़ ऑलरेडी लोडेड विद द फोटो पेपर, जिसमें ऑलरेडी हमने क्या रखे हुए हैं, फोटो पेपर्स के साथ उसको लोड करके रखा हुआ है. एंड द फोटो इज़ प्रिंटेड इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट मैनर एज पर द रिक्वायरमेंट. तो जो फोटो है वो प्रिंट हो जाएगी कलर और ब्लैक एंड व्हाइट मैनर में, कैसी, एज पर द रिक्वायरमेंट. ओवरऑल क्या रहेगा, सब्जेक्टिव फीचर ऑफ द, हमने ग्राफ लिखना होता है यहाँ पे, तो इसका सब्जेक्टिव यही रहेगा. वो टिपिकल मेथड नहीं करना है कि इफ एनी स्टेप विल बी स्किप, है ना, द होल प्रोसेस विल बी होल्टेड. ये क्रैम्ड स्ट्रक्चर लगते हैं. सो आई सजेस्ट यू स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट राइट लाइक दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स. ठीक है, ट्राई टू राइट योर टास्क इन नेचुरल मैनर. तो हम इसका क्या लिख सकते हैं, ओवरऑल द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ डिजिटल इमेज बिगन्स विद द कैप्चरिंग ऑफ एन इमेज.
एंड एंड्स अप विद द प्रिंटिंग. जो डिजिटल इमेज को प्रोड्यूस करने का प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होता है, कैप्चरिंग ऑफ एन इमेज से होता है और एंड कैसे होता है विद द प्रिंटिंग. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्पल.